अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका ए कानपुर। और आज हम बनाएंगे रसमलाई। अक्सर हम लोग रसमलाई बाहर से मंगवाते हैं, आज आप हमारी तरीके से बनाएं और ये रसमलाई जायके में बाहर से भी बेटर होगी। और जब भी आपके घर में कोई पार्टी हो, आप बनाएं हमारे साथ डिजर्ट भी घर पे, तो फिर आइए आपके साथ बनाते हैं रसमलाई बहुत ही इजी वे में। और दिखाते हैं आपको कि इसमें किन चीजों की जरूरत होगी। यहाँ पर हमने 1 लीटर लो फैट मिल्क लिया है, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क यूज कर सकते हैं। और 1/2 लीटर हमने यहाँ पर फुल फैट मिल्क लिया है। हम इसकी रबड़ी बनाएंगे और लो फैट के छेने बनाएंगे। इसके अलावा 1/2 टीस्पून हमने इलायची पाउडर लिया है, थोड़ा सा केसर लिया है, आप ओरिजिनल केसर ही लें। 1.5 कप हमने यहाँ पे शुगर लिए। 2 नींबू के रस में हमने यहाँ पर डबल पानी मिला लिया है। ये कुछ पिस्ता और बादाम लिए हैं हमने, जिसे पतले लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है। आप चाहें तो बिना भीगे भी पिस्ता और बादाम ले सकते हैं। और ये सैफ्रन येलो कलर। तो फिर आइए बनाना शुरू करते हैं। गैस हमने ऑन कर दी है, इसमें हम दूध डालते हैं। दूध को हम उबालेंगे। दूध बॉयल हो गया है, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम इसमें नींबू का रस और इसमें हमने जो पानी मिलाया था वो डालते हैं। यहाँ पर हमने 2 नींबू का रस लिया है, आप चाहें तो विनेगर भी डाल सकते हैं। हम धीरे धीरे इसको डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसे डालेंगे। बहुत गर्म दूध में आप नींबू का रस नहीं डालें, दूध 80% गर्म हो तभी आप उसमें नींबू का रस डालें। हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे और इसे हिलाते जाएंगे। दूध बहुत अच्छे से फट गया है, इसका छेना अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। आप इसी तरीके से दूध आपका फटा होना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालते हैं। अब हम इसे छान लेते हैं। छानने के लिए हमने एक मलमल का कपड़ा लिया है, हम इसमें इसको डालेंगे। हम इसको दबाकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। हमने ठंडा पानी डाला था तो छेना ठंडा हो गया। ठंडा पानी हमने इसलिए डाला था कि छेना बहुत ज्यादा देर गर्म ना रहे, जिससे वो टाइट हो जाएगा। अब हम इसको धोएंगे ताकि हमने जो नींबू डाला था अच्छे से वो इससे निकल जाए। 2 बार हमने इसे अच्छे से धोया है। अब हम इसको अच्छे से दबा दबा कर इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। चाशनी की तैयारी करते हैं। एक पैन में हम 1.5 कप शक्कर डालते हैं, चीनी आप थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते हैं, और इसमें पानी डालते हैं। हमने यहाँ पर चीनी से 3 गुना पानी डाला है और इसको छोड़ते हैं बॉयल आने के लिए। जब तक हम छेना रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक प्लेट ली है, हम इसमें छेना डालते हैं। छेने को हमने बहुत अच्छे से दबा दबा कर इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब ये बिल्कुल ऐसे ड्राई हो गया है। 5 से 6 मिनट हम छेने को ऐसे से मलते हैं ताकि इसमें जो दाने हैं वो खत्म हो जाए और ये बिल्कुल चिकना हो जाए। आप हथेली से जोर लगा कर करें, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 4 मिनट हो गए हैं छेने को मलते हुए, इसके सारे दाने खत्म हो गए हैं और ये बहुत चिकना हो गया है। इस टाइम हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालते हैं। 1/2 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है और हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। इस टाइम बिल्कुल भी प्लेट में ये चिपक नहीं रही है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। कॉर्नफ्लोर हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं। सारे पेड़े हमने बना दिए हैं, इतने छेने में 12 पेड़े बने हैं। ये बड़ी वाली रसमलाई है। पेड़े बनाने के बाद आप हाथों के बीच में इसे ऐसे रखें और ऐसे दबा दें। पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं चाशनी में जाने के लिए। जब तक पेड़े चाशनी में उबल रहे हैं हम रबड़ी बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें हम 1/2 लीटर दूध डालते हैं। 1/2 लीटर दूध हमने कढ़ाई में डाल दिया है, हम इसे उबालेंगे। दूध बॉयल हो गया है, हम इसमें केसर डालते हैं, इलायची पाउडर डालते हैं, थोड़ा सा सैफ्रन कलर डालते हैं और इसको थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकने देते हैं। रबड़ी को पकते पकते 7 से 8 मिनट हो गए हैं। इस टाइम हम इसमें नट्स डालते हैं, ड्राई फ्रूट आप अपने मुताबिक डाल सकते हैं। 4 से 5 चम्मच शक्कर डालते हैं, शक्कर हमने पहले नहीं डाली थी क्योंकि दूध पतला हो जाता है। 1 से 2 मिनट ये बनेगा, बस हम इसे हटा देंगे। 1 मिनट हो गया है, रबड़ी हमारी रेडी है, हम इसे साइड करते हैं। चाशनी में उबाल आ गया है, इसे बहुत ज्यादा देर नहीं पकाना था, सिर्फ उबाल ही आना था। इसमें हम ये पेड़े डालते हैं, सारे पेड़े हमने डाल दिए हैं। 8 से 10 मिनट हम इसे बॉयल करेंगे ताकि पेड़ों के अंदर अच्छे से चाशनी पहुंच जाए। लिड लगाकर हम इसे बॉयल करते हैं, थोड़ी देर के बाद हम इसे फ्लिप करेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे फ्लिप करते हैं। बहुत ही आहिस्ता आप इसे फ्लिप करें, रसमलाई फूल के बहुत बड़ी हो गई है। इसे 5 मिनट और बॉयल करते हैं और फिर हटाते हैं। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है, रसमलाई का साइज डबल हो गया है। अब हम इसे इसी चाशनी में 10 मिनट छोड़ते हैं। 10 मिनट हो गए हैं पेड़ों को चाशनी में डले हुए। रबड़ी हमने एक बोल में निकाल दी है, हम इसमें पेड़े डालते हैं। अगर आपको रसमलाई और ज्यादा सॉफ्ट करनी है तो आप रसमलाई में इस टाइम आइस क्यूब्स डाल दें ताकि वो ये बिल्कुल जल्दी ठंडे हो जाएं, जिससे ये टाइट नहीं होंगी। हमारी तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है इसलिए हम नहीं डालेंगे। अब ये बहुत हल्के से दबाकर हम इसमें डालते हैं, बहुत ज्यादा नहीं दबाना है। अरे छेने हमने इसमें डाल दिए हैं, ऊपर से हम नट्स डालते हैं।
अब हम इसे 3 से 4 घंटे रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो तो आप और ज्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं। 4 घंटे हो गए और रसमलाई हमारी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। आप इसे ठंडी ठंडी सर्व करें। अब इसे मेरे तरीके से बनाएं। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी बनेगी। वीडियो पसंद आई हो तो देर किस बात की, लाइक करें। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।